हेलो स्टूडेंट्स, मी महेश और आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम एजी टू मॉडरेट लेवल के सभी हाइड्रोकार्बन्स के आईपीसी नेम्स इस लेक्चर में कवर करने वाले। और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम नोमेनक्लेचर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप ये स्टडी करने वाले। ओके, तो इस लेक्चर में सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन्स के पूरे नाम वो देखेंगे, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसमें हम रूल्स स्टडी करने वाले, जो रूल्स हर एक आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए ज़रूरी होते हैं। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो, नोमेनक्लेचर के दो टाइप्स आते हैं, पहला होता है कॉमन नेम्स और आईपीसी नेम्स। अब आईपीसी नेम्स के पहले जो सिस्टम यूज़ की जाती थी वो होती थी कॉमन नेम्स, या जिसे हम ट्रिवियल नेम्स कहते थे। अब वो जो नेम्स थे वो जनरली ओरिजिन पे या फिर उस कंपाउंड के सर्टन प्रॉपर्टीज़ भी दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लेमन पता हो तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेमन को हम साइट्रस फ्रूट कहते हैं। राइट, साइट्रस फ्रूट। अब उसके नाम से वो लेमन में एसिड पाया जाता है, इसी की वजह से उस एसिड को साइट्रस एसिड वहाँ पे कहा गया। राइट, या फिर और एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं हम, जो लाल एंट होती है, लाल मूंगी हम जिसे कहते हैं, लाल एंट, रेड एंट्स। अब उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, क्योंकि एंट को लैटिन वर्ड में फॉर्मिका कहा जाता था, फॉर्मिका, और फॉर्मिका से क्या बना? फिर फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से टार्टरिक एसिड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे। तो कॉमन, और जिसे हम ट्रिवियल नेम कह सकते थे, उसके एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यहाँ पे CH4 मीथेन, ये भी यहाँ पे कॉमन नेम है। फिर एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ओके, आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद नियोपेंटेन, बीच में एक कार्बन, बाकी के चार कार्बन उसके साइड में। ओके, उसके बाद यन प्रोपाइल अल्कोहल, यन नॉर्मल, राइट, एक स्ट्रेट चेन, और OH फॉर अल्कोहल। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO ग्रुप। उसके बाद एसीटोन, CH3CO CH3। क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, बेंजीन, एनिसोल, एनिलीन, एसिटोफिनॉल, इथाइल, मिथाइल, इथर। ये सभी के सभी कॉमन नेम्स, और जिसे हम ट्रिवियल नेम्स कह सकते हैं, ये सारे उस तरह के कंपाउंड है। अब आप यहाँ पे कहोगे कि कॉमन नेम्स हम सब याद रखें क्या? मतलब सारे के सारे कॉमन नेम्स हम याद कर ले क्या? नहीं, लेकिन इस टेबल में जो भी कॉमन नेम्स आपको दिए हुए उसे आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे यन ब्यूटेन है, तो यन फॉर नॉर्मल, एक स्ट्रेट चेन की तरह अगर आपने चेन बना ली तो यन ब्यूटेन हो जाएगा। उसी की तरह यन पेंटेन अगर करना हो तो सिर्फ 5 कार्बन कर देना और नॉर्मल चेन, राइट, आइसोब्यूटेन या फिर न्यू पेंटेन। इस तरह से आप उसका डिस्टिंग्विश कर सकते हो और याद रख सकते हो। लेकिन कॉमन नेम सब याद रखना ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनिलीन है, एनिसोल है, इस तरह के कॉमन नेम्स आपको टेबल में दिए हुए, ये सभी आप याद करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे कभी कभी आपको आईपीसी नेम नहीं पूछते, आपको कॉमन नेम से उसे क्वेश्चन में पूछते, क्योंकि कभी कभी आईपीसी नेम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसी की वजह से वहाँ पे कॉमन नेम यूज किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक तो हो गए कॉमन नेम्स, अब यहाँ पे देख सकते हो आप आईयूपीएसी नेम्स। आईयूपीएसी, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है उसका फुल फॉर्म्स। अब वहाँ पे कॉमन नेम्स के तो कोई रूल्स नहीं थे, वो जनरली हम ओरिजिन या फिर उसके प्रॉपर्टीज भी देते थे, लेकिन आईयूपीएसी नेम्स के यहाँ पे रूल्स होते हैं। अब रूल्स देखने से पहले हम आईपीसी सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर यहाँ पे देखेंगे। हाँ, अब इसमें एक आपको कंटिन्यूस चेन नजर आ रही है, कार्बन 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 कार्बन, इस तरह से जो लंबी चेन होती है ना उसे हम कहते हैं पेरेंट चेन। ओके, लंबी चेन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेरेंट चेन। अब OH, BR या फिर अदर देन कार्बन, ऐसे जो एटम्स होते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी उसको एटम अटैच होते हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। राइट, ये देखो OH फंक्शनल ग्रुप, BR भी क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आया, ठीक है। अब जो छोटी सी ब्रांच या फिर जो छोटी सी चेन लगी होती है उसे हम ब्रांच कहते हैं। देखो, इस बड़ी वाली चेन में कितने कार्बन थे? 6, और एक कार्बन यहाँ पे अटैच है, तो ये अटैचमेंट जो है ना इसे हम कहते हैं ब्रांच। राइट, आपने पेड़ देखा है, पेड़ को किस तरह से जो बीच वाला उसका खोड होता है वो बहुत लंबा होता है, और उसकी जो छोटी छोटी टहनियाँ होती है वो छोटी छोटी ब्रांचेस की तरह होती है। राइट, उसी की तरह जो बीच वाला जो चेन है वो बहुत बड़ी है। ओके, और
यहाँ पे ये जो छोटा लगा हुआ है उसे हम ब्रांच किए थे। ओके, अब इसी की तरह हम आईयूपीएसी सिस्टम या फिर आईयूपीएसी के रूल्स यहाँ पे समझने वाले हैं। अब इसमें रूल्स समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी जरूरी है। जैसे ये जो पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन, उसके नाम समय याद होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब मिथेन मतलब एक कार्बन वाला। अब आपको कहोगे ये बहुत ही सिंपल पढ़ा रहे हो आप। देखो हम बेसिक से शुरू करने वाले हैं और बेसिक से हम जो है मॉडरेट लेवल या फिर हायर लेवल तक यहाँ पे जाने वाले हैं। ओके, तो देखो मिथेन CH4, इथेन C2H6, ओके दो कार्बन, हाँ इथेन दो कार्बन, प्रोपेन तीन कार्बन, ब्यूटेन चार, पेंटेन पाँच कार्बन, हेक्जेन छः कार्बन, हेप्टेन सात कार्बन, ऑक्टेन आठ कार्बन, नोनेन नाइन कार्बन, डिकेन दस कार्बन। अब आपको आइसोकेन या फिर ट्राईकॉन्टेन ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप डिकेन तक याद रखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस तक मतलब इन कार्बन तक आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, तो ये हो गई यहाँ पे पेरेंट चेन के बारे में, राइट। ये जो चेन होती है उस पेरेंट चेन के बारे में ये तो हो गया। अब हमने एक चीज़ देखी कि ये जो ब्रांच होती है ना, अब ब्रांच को नॉमेनक्लेचर देखते वक्त क्या करना है। ब्रांच, अब ये जो ब्रांच है ये मीथेन से बनी हुई है, राइट। मीथेन का अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर आपको पता है, CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन, राइट, ANE मीथेन। अब इसी मीथेन को मैं क्या कर दूं, मैंने किया यहाँ पे CH3 और ये बॉन्ड मैंने ऐसे रखा, मैंने क्या किया CH3 कर दिया ना, तो उससे हमें कहना है मिथाइल, उसे क्या कह रहा है हमें मिथाइल, ANE को रिप्लेस करके YL लगा देना है। उसी की तरह सेम चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो CH3, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इथेन। अब इसमें भी सेम करना है, इसमें मैंने एक हाइड्रोजन इससे निकाल दिया और क्या हुआ फिर CH3, CH2 और ये बॉन्ड। अब इसका सेम करके हम क्या करेंगे, ANE को निकाल के वहाँ पे YL लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इथाइल। ओके, तो सिर्फ एक हाइड्रोजन निकालने से क्या होता है, ANE से YL या फिर रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हो, मीथेन मिथाइल, इथेन इथाइल, प्रोपेन प्रोपाइल, ब्यूटेन ब्यूटाइल या फिर डिकेन डिकाइल। ओके, ANE को रिप्लेस करके वहाँ पे YL हमने ऐड कर दिया। अब यही जो ग्रुप है वो ब्रांचेस को डिनोट करने के लिए या फिर ब्रांचेस को IUPAC सिस्टम में इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो ब्रांच होती है उसमें IUPAC नेम में उसे यूज किया जाता है। और भी आप एग्जांपल से यहाँ पे देख सकते हो, आइसोप्रोपाइल, राइट। अब यहाँ पे आइसो जो नाम का जो आप मतलब समझ लो, आइसो मतलब सेम, यहाँ पे दो CH3 सेम है ना, इसलिए उसे आइसोप्रोपाइल का है। प्रोपाइल क्यों का है, यहाँ पे तीन कार्बन है। ओके, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल जिसे हम कहते हैं, अब ये सेक क्यों का आ गया, देखो अगर कोई भी कार्बन किसी दो कार्बन से अटैच हो तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं, कोई भी कार्बन अगर किसी एक कार्बन से अटैच हो तो उसे हम प्राइमरी कहते हैं, और कोई भी कार्बन अगर किसी तीन कार्बन से अटैच हो तो उसे हम क्या कहेंगे फिर, उसे हम टर्शियरी कहते हैं। ओके ओके, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब आइसोब्यूटाइल भी आप देख सकते हो, आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर अच्छे तरह से देखो, चार कार्बन है और दो CH3 सेम, राइट। उसके बाद टर्ड ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, जो अभी मैंने बताया कि कार्बन किससे अटैच है, तीन अदर कार्बन से अटैच है, इसकी वजह से वो टर्शियरी ब्यूटाइल। उसके बाद नेक्स्ट देखो नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल का भी स्ट्रक्चर आप अच्छे तरह से देख लो। ओके, तो ये सारे ब्रांचेस के बारे में हो गया। अब हमने बेसिक चीज़ें यहाँ पे IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए सब समझ लिए। ओके, ये हमारे हथियार है। ओके राइट, जिस तरह से हम अगर किसी युद्ध के लिए जाते हैं ना तो हमें ढाल लेनी पड़ती है, तलवार, इस तरह से हथियार लेने पड़ते हैं ना, उसी की तरह हम हथियार से अब सज्ज हुए, राइट। अब हमें जो भी लड़ने के लिए जो भी रूल्स होते हैं वो समझने पड़ेंगे। जैसे महाभारत में देखो, महाभारत में एक रूल था, कौन सा, कि अगर सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता था, राइट। आज के ज़माने में नहीं, लेकिन वहाँ पे रूल के बहुत पक्के थे वो लोग। अगर सूर्यास्त हो गया मतलब सूरज डूब गया तो उसके बाद कोई भी हमला नहीं करता था,
अब इसी की तरह हमें ये सारी चीज़ समझ में आई। पहले हमें क्या याद रखना है, पहले हमें ये पेरेंट चेन याद रखनी है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद ब्रांच। अब आज इस लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ने वाले, आज के इस लेक्चर में सिर्फ हम ये पेरेंट चेन ब्रांचेस के बारे में स्टडी करने वाले। ओके, तो यहाँ से हम वन बाय वन एक एक रूल से यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला IUPAC नॉमेनक्लेचर का रूल, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इज अ पेरेंट चेन। ओके, अब यहाँ पे मैं एक वन बाई वन एग्जाम्पल से आपको एक एक रूल यहाँ पे समझाते चलूँगा, और आप ये रूल अच्छे से लिख लेना और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख लेना। अब देखो, पहले यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है। ओके, अब इस एग्जाम्पल में हमें सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसमें लॉन्ग सबसे लॉन्ग जो कार्बन चेन है वो सिलेक्ट करनी। अब यहाँ पे देखो, मैं दो तरह से आपसे नंबरिंग करूँगा, फर्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये हो गए नाइन नंबर्स। यहाँ पे नाइन कार्बन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं और एक तरह से नंबरिंग कर सकता हूँ, ये जो चेन है इसको भी मैं अंदर ले सकता हूँ, राइट। मैं फिर से नंबरिंग करूँगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। अब ये दो टाइप्स के नंबरिंग में कौन सी नंबरिंग सही है? हमारा पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो भी लंबी बहुत लंबी चेन होगी उसी को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट जो मेथड थी वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें नाइन कार्बन है, राइट। उसमें कितने कार्बन है? नाइन। और सेकंड मेथड से हमने किया तो सेकंड मेथड में सिर्फ आठ कार्बन है, इसकी वजह से सेकंड मेथड जो हुई वो रॉन्ग मेथड हुई। ओके, तो नंबरिंग कैसे करनी है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, लंबी चेन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब देखते हैं इसका सेकेंड रूल, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच्ड कार्बन एटम्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर्स। अब यहाँ पे नंबरिंग तो हमने कर दी, अब उनका ये मानना है कि नंबरिंग ऐसे करो कि जो भी ब्रांच्ड कार्बन है उसको सबसे कम नंबर मिले। ओके, ब्रांच कार्बन को सबसे कम नंबर हमें देना है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं फिर से दोबारा यहाँ पे लेता हूँ। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने नहीं दिखाई, लेकिन आप यहाँ पे समझ सकते हो, वही एग्जाम्पल हमने दोबारा यहाँ पे लिया है। अब इसमें मैं दो टाइप से फिर से नंबरिंग करता हूँ। अब नंबरिंग हमें ऐसे ही कर सकते हैं क्या? हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। नाइन ही कार्बन उसमें आएंगे। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन। ओके, ये बात तो यहाँ पे हो गई। अब मैं उल्टी नंबरिंग करते हुए चलता हूँ, फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, दोनों तरफ से नाइन ही कार्बन आ रहे, पहला रूल यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। लेकिन अब यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें नंबरिंग? तो नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ पे जो ब्रांचेस है वो सबसे कम नंबर पे आ जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो हमारी कार्बन की ब्रांच है, ये जो ब्रांच है वो सेकंड नंबर पे आई है, राइट। और ये जो बची हुई जो ब्रांच है वो सिक्स नंबर पे आई है। अब इसका कोई हमें यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पहली ब्रांच तो हमें यहाँ पे मिल गई। अब अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो यहाँ से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो ये जो ब्रांच है ये फोर्थ नंबर पे आ रही है, राइट। तो सबसे पहले हम ब्रांच से मीट कहाँ पे हो रही है? सबसे पहले हमें इस तरफ से ब्रांचिंग मिल रही है। ये जो पहली मेथड है वो करेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो ब्रांच है हमें सेकंड नंबर पे ही मीट हो रही या फिर मिल रही है, राइट। तो पहली मेथड इज करेक्ट, उसके बाद सेकंड मेथड इज इनकरेक्ट। ओके, इतनी बात आपके यहाँ पे समझ में आ गई क्या, कि जो भी कार्बन की ब्रांच होगी उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, और सबसे कम नंबर फर्स्ट मेथड से मिल रहा है, ना कि सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से फोर्थ नंबर पे हमें ब्रांच मिल रही है, लेकिन फर्स्ट मेथड से सिर्फ सेकंड नंबर पे हमें ब्रांच मिल रही है, इसकी वजह से हमने पहली मेथड करेक्ट समझी। ओके, तो ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर का सेकंड रूल। इसके बाद आते हैं थर्ड रूल पे। ओके, तो यहाँ पे ये है थर्ड रूल, अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड एज अ ब्रांच आर देन प्रेफिक्स्ड
टू द नेम ऑफ द पेरेंट अल्केट एंड पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज इंडिकेटेड बाई नंबर्स। ओके, ये बात आपको समझ आए, यहाँ पे आ गई क्या? जो भी अल्काइल ग्रुप्स ब्रांच कर कर एक्ट होते हैं, मतलब ऊपर आपने एग्जाम्पल देखा है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये जो ब्रांचेस करके ये कार्बन ग्रुप अटैच हुए वो प्रेफिक्स करके पेरेंट चेन के आगे लग जाते हैं और उसकी पोजीशन हमें इंडिकेट करनी पड़ती है। देखो अभी तक हमने कोई भी आईयूपीएसी नेम यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे हम आईयूपीएसी नेम लिखने वाले और लिख के देखने वाले। ओके, पहले तो हमने नंबरिंग समझ ली, उसके बाद नंबरिंग कहाँ से करनी वो समझ ली, अब हमें एक्चुअल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पे करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये देखो हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके सामने, फिर से मैं वन बाय वन स्टेप करता हूँ। वही एग्जाम्पल हमने दोबारा लिया है और हमने उसे नंबरिंग कैसे करनी वो भी सीख ली, राइट? नंबरिंग ऐसे करनी, हमें दो रूल हमने अप्लाई करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 नंबरिंग तो हमने कर दी। ओके, अब इसका नाम कैसे लिखना है? सबसे पहले आपको पेरेंट चेन का नाम लिखना है। कोई भी एग्जाम्पल आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सॉल्व करते समय आपको सबसे पहले उसके पेरेंट चेन का नाम लिख लेना है, क्योंकि वहाँ से हमें सिंपल लगने लगती है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके ओके, तो ये नाइन कार्बन है, नाइन कार्बन है मतलब कौन सा नाम आपके दिमाग में आ रहा है? नाइन कार्बन नो नेन, नाइन कार्बन मतलब नो नेन, तो ये पेरेंट चेन का नाम हो गया। अब इसके आगे प्रेफिक्स हमें लगाना है ब्रांच का। अब प्रेफिक्स लगाते समय यहाँ पे देखो टू मिथाइल, ओके ये मिथाइल है ना एक कार्बन का और ये इथाइल है। अब इसको सबसे पहले कौन सा लेना है, इथाइल लेंगे या फिर मिथाइल लेंगे, कौन सा लेंगे? आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रूल का ही सेकंड पार्ट, इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकली जो फर्स्ट आता है वो हमें फर्स्ट नाम पे लेना है, मतलब फर्स्ट लेना है। ओके, तो सिक्स नंबर पे इथाइल आ रहा है तो मैं यहाँ पे लूंगा 6 इथाइल, उसके बाद ई अल्फाबेटिकली ई फर्स्ट ले आता है, राइट? उसके बाद क्या लूंगा मैं, सेकंड नंबर पे मिथाइल आता है इसके लिए 2 मिथाइल, और ये बीच में कोई भी स्पेस हमें नहीं रखनी है नॉमेनक्लेचर लिखते समय, आईपीसी नाम लिखते समय। ओके, तो क्या हुआ इसका नाम, 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, इस तरह से हम प्रेफिक्स करते। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रखो कि डिफरेंट टाइप के ग्रुप आ जाए तो उन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर के साथ हमें आईपीसी नॉमेनक्लेचर में ऐड करना है। ओके, इतना यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, थर्ड रूल यहाँ पे होता है, आप चाहे तो लिख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं फोर्थ रूल, फोर्थ रूल कौन सा होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो फोर्थ रूल, द नेम्स ऑफ आइडेंटिकल सब्सटेंस आर नॉट रिपीटेड, इंस्टेड प्रेफिक्सेस सच एज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एक्सेट्रा। अब सब्सटेंट मतलब ब्रांच। ओके, अब अगर ब्रांच रिपीट हो जाए, पहले हमने जो एग्जांपल देखा वहाँ पे इथाइल था मिथाइल था तो वो डिफरेंट थे, वहाँ पे कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उस एग्जांपल में अगर दो मिथाइल आते तो हम ऐसा तो नहीं लिखते ना मिथाइल अगेन मिथाइल लेके, ऐसा नहीं लिखना, वहाँ पे हमें डाई यूज़ करना है। अगर दो मिथाइल आ जाए, यहाँ पे आप लिख सकते हो दो मिथाइल आ जाए तो डाई मिथाइल या फिर कोई भी सब्सटेंट, राइट? दो का मतलब डाई, थ्री आ जाए तो ट्राई, फोर आ जाए तो टेट्रा, फाइव आ जाए तो पेंटा, ओके सिक्स आ जाए तो हेक्सा, सेवन आ जाए तो हेप्टा, इस तरह से हमें प्रेफिक्स उसको ऐड करना है। ओके, अब इसके एग्जांपल्स हम वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे देखो दो एग्जांपल्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो दो एग्जांपल्स, इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है 2,4-dimethyl pentane। अब यहाँ पे नंबरिंग भी कर दी उन्होंने
और सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल था और फोर्थ पोजीशन में दूसरा मिथाइल था, लेकिन उनके नाम हमने डबल नहीं लिए, उनके नाम हमने सिर्फ क्या किया 2,4-dimethylpentane डाई, दो थे इसलिए डाई। अभी यहाँ पे फिर से देखो नंबरिंग भी उन्होंने कर दी, सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे नाम लिखा है 2,4-trimethylpentane, राइट। अब ये टू सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल, इसकी वजह से टू टू दो बार लिया, उसके बाद फोर फोर मिथाइल फोर ट्राई मिथाइल, तीन मिथाइल है यहाँ पे 1, 2, 3, इसकी वजह से ट्राई मिथाइल पेंटेन पेरेंट चेन पेंटेन, ओके इस तरह से। अब इसी रूल का एक सेकंड पार्ट देखते हैं, दीज प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ द सब्सटेंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके। अब हमने फिर से मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, हमने ये एग्जांपल यहाँ पे देखा था और इसमें मैंने क्या कहा था कि हमें अगर ऐसी तरह के दो डिफरेंट ग्रुप्स आ जाए तो हम इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाएंगे, राइट। तो अल्फाबेटिकली इथाइल का जो नाम था वो सबसे पहले आता था, इसी की वजह से मैंने 6 इथाइल लिखा, और मिथाइल अल्फाबेटिकली बाद में आता था, इसकी वजह से मैंने वो बाद में लिखा। लेकिन अब ये फोर्थ रूल क्या कहता है कि वो जो प्रीफिक्सेस ऐड होंगे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाई मिथाइल में ऐड कर देता तो वो डाई ट्राई और टेट्रा, उससे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देते समय कंसिडर नहीं करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं करना है, ओके। तो उसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, वन सेकेंड, ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है, उन्होंने नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन दिस लिए हेप्टेन और डाइमिथाइल देते समय, देखो देखो इथाइल को उन्होंने फर्स्ट लिया है, राइट। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो डी ए वो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है, इसी की वजह से उन्होंने डाइमिथाइल आगे लिखा, ऐसे नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने क्या किया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करते समय उन्होंने डाई का विचार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ यम का विचार किया, यम, इसी की वजह से ये जो इथाइल है वो आगे आया और मिथाइल पीछे गया, राइट। उन्होंने डाई कंसिडर यहाँ पे नहीं किया है, ओके। तो ये हो गया इसका फोर्थ रूल। अब यहाँ पे आते फिफ्थ रूल की तरफ, इफ दी टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड इन इक्विवेलेंट पोजीशंस द लोअर नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। अब आपने यहाँ पे बहुत बार अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सुना होगा, राइट। अब उनका ये मानना है कि अगर दो सब्सटेंट इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाए, मतलब इक्विवेलेंट नंबर या से भी दो या से भी दो ऐसे ऐसे करके कोई इक्विवेलेंट नंबर पे आ जाए, तो हम कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पे अल्फाबेटिकली पहला सब्सटेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे मैं दो नंबरिंग्स करके आपको दिखाता हूँ। पहली नंबरिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो गई फर्स्ट नंबरिंग। दूसरे बात इसके बाद सेकंड नंबरिंग करता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, अब ये हो गई दो टाइप्स की नंबरिंग, राइट। मैंने दोनों तरफ से कर दी, दोनों तरफ से कार्बन सेम आ रहा है। और एक चीज़ हमने क्या कहा था कि जिस जगह से या फिर जिस साइड से ब्रांच जल्दी मिल जाए उस साइड को हमें नंबरिंग स्टार्ट कर दी। अब इस साइड से मैंने स्टार्ट की तो ये जो ब्रांच है वो थर्ड नंबर पर मुझे मिली, अगर दूसरे साइड से मैंने स्टार्ट की तो ये जो ब्रांच थी मुझे तीन नंबर पर मिली, इसका मतलब दोनों की पोजीशंस यहाँ पे सेम निकली, राइट। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, अब हमें देखना पड़ेगा कि अल्फाबेटिकली कौन सी नंबरिंग फर्स्ट आती है, अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार जो भी सब्सटेंट फर्स्ट आएगा उसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब इसमें अल्फाबेटिकली अगर हमने देखा तो इथाइल वो फर्स्ट आता है, राइट, और मिथाइल बाद में आता है, इसी की वजह से ये जो मिथाइल है ये बाद में आता है अल्फाबेटिकली, बाद में एम पहले आता है, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, राइट। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करते समय ये ऊपर वाली करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा फिर,
इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा थ्री इथाइल, राइट। थ्री नंबर पे इथाइल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिया, उसके बाद सिक्स मिथाइल, सिक्स नंबर पे मिथाइल, और कोई भी स्पेस न रखते हुए डायरेक्टली मैं इसे लिखता हूँ आठ कार्बन, इसी की वजह से ऑक्टेन, यहाँ पे बीच में स्पेस हमें नहीं रखनी, राइट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखते समय तो ये हो गया फिफ्थ रूल, राइट। यहाँ पे भी हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद रखना होगा, ओके। तो इस तरह से ये हो गया फिफ्थ रूल। अब देखते हैं सिक्स्थ रूल। द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैचेस टू द रूट अल्केन इज नंबर फर्स्ट। द कार्बन एटम ऑफ ब्रांच, ब्रांच से जो भी कार्बन एटम अटैच है, अगर वो रूट अल्केन से अटैच है तो उसे हमें फर्स्ट नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 इस साइड से, क्यों? क्योंकि हमारा सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि जो भी कार्बन किसी ब्रांच से अटैच होना उसे फर्स्ट नंबर दे देना है, इतना आप समझ लो। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे ऐसा रखा है ना, ये कोई चेन से अटैच है, इसकी वजह से यहाँ से नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी पड़ी उसे, और उसे हम 1,3-dimethyl ब्यूटाइल कहते हैं, राइट। ब्यूटाइल और उसके आगे कोई भी पेरेंट से, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप, ओके। ये पूरी की पूरी पेरेंट चेन यहाँ पे नजर आएगी, देखिए ये पेरेंट चेन है और ये नीचे जो है ना, नीचे यहाँ पे कोई भी सब्सटेंट ऐड है, ओके। अब ये पेरेंट चेन हमें पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये सब्सटेंट नहीं होगा। यहाँ पे कितने हैं, इस तरह से कोई भी पेरेंट चेन है पूरी की पूरी, और नीचे ये पूरा सब्सटेंट है। अब मुझे नंबरिंग करनी कहाँ से, ये बताता है रूल नंबर सिक्स, नीचे से नंबरिंग नहीं करनी है, नंबरिंग करते समय ऊपर से करनी है जहाँ पे वो पेरेंट चेन से अटैच है, यहाँ से नंबरिंग करनी मेरे को। तो 1 2 3 4 इस तरह से हम नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ये था सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल क्या था कि जो भी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच हो उस कार्बन से नंबरिंग करनी है, नीचे से नहीं करनी, इससे नहीं करनी, ऊपर से नीचे से, राइट। मतलब उस कार्बन से हमें नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। ये हो गया रूल नंबर सिक्स। अब देखते हैं यहाँ पे लास्ट रूल, नंबरिंग का लास्ट रूल। अब यहाँ पे आता है रूल नंबर सेवन। अब ये सात रूल होने के बाद हम टोटल 10 एग्जांपल यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और उस वो 10 एग्जांपल्स के बाद आपको पूरी की पूरी आईपीसी नॉमेनक्लेचर एजी टू मॉडरेट लेवल तक आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी, राइट। तो देखते हैं रूल नंबर सेवन। इन मल्टी सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स, मल्टी मतलब एक से ज़्यादा अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन हो, इफ़ देयर हैपन्स टू बी टू चेन्स ऑफ इक्वल साइज, दो चेन्स, दो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि इक्वल साइज के हैं, देन दैट चेन इज सेड, दैट चेन इज टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन्स। जिस सब्स्टिट्यूएंट में ज़्यादा नंबर के साइड चेन्स पाए जाते हैं वही चेन हमें सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे लेते हैं एक सेवन रूल का एग्जांपल। देखो मैंने नंबरिंग यहाँ पे दो तरफ से की है, फर्स्ट नंबरिंग मैंने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड से एक नंबरिंग कर दी, ओके। इसमें भी 10 कार्बन आ गए, और नीचे से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड से भी 10 कार्बन यहाँ पे आ गए। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें ये चीज़ देखनी है यहाँ पे कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ज़्यादा नंबर के साइड चेंज दिखा रहा है, राइट। अब अगर यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे 1 और 2 दो साइड चेंज यहाँ पे, और मैं अगर नीचे से नंबरिंग करूँ तो यहाँ पे एक, यहाँ पे कितने 1 2 और ये पूरी की पूरी ये 3, तीन साइड चेन्स यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। यहाँ पे तीन साइड चेन्स है, और अगर ऊपर से करूँ तो सिर्फ दो साइड चेन्स है। इसी की वजह से मुझे नंबरिंग करते समय ये रास्ता चूज करना है, ये ना कि ये, ठीक है ना। नीचे से नंबरिंग करनी, क्यों? क्योंकि मल्टी सब्स्टिट्यूट, ज़्यादा साइड चेन्स मुझे दिख रही है, इसके लिए मैं वो रास्ता लूँगा, राइट। तो यहाँ से शुरू करते हैं हमारे वन बाई वन क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन है।
तो इन क्वेश्चंस में आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से दिखाने वाला हूँ। ओके, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ नहीं है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप खुद अपने हाथों से लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, मतलब मेरा आंसर आपका आंसर अगर मैच होता है तो अच्छी बात है, नहीं मैच होता उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पे नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब देखो, नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 3 3 नंबर पे यहाँ पे ब्रांच आ रही है, यहाँ से 1 2 2 नंबर पे ब्रांच आ रही है, इसके लिए मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कार्बन है। इसके लिए मैं पहले यहाँ पे लिख लूँगा ऑक्टेन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑक्टेन। ओके, और सारे के सारे सब्सटेंट मिथाइल है। ओके, 2 5 और 6 ये पोजीशन है उनकी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 5, 6 ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल इसके लिए, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये हो जाएगा उसका आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, अब मैं यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करूँ, 1 2 3 यहाँ पे 3 नंबर पे सब्सटेंट आ रहा है, अब यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 यहाँ पे भी 3 नंबर को सब्सटेंट आ रहा है, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सब्सटेंट की पोजीशन सेम आ जाए तो हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ चलना चाहिए। अब अल्फाबेटिकली देखें तो ये होता है इथाइल और ये होता है मिथाइल, तो इथाइल पहले आता है, इसके लिए ई पहले आता है ना, इसके लिए मैं यही से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन हो गए। इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेप्टेन, 7 कार्बन है तो यहाँ पे लिखा मैंने हेप्टेन, और 3 नंबर पे इथाइल और 5 नंबर पे मिथाइल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 इथाइल एंड 5 मिथाइल हेप्टेन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं, कहाँ से करें, यहाँ से या फिर यहाँ से, यहाँ से करते क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस जो नज़दीक यहाँ से आती है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेंटेन। ओके, यहाँ पे मैंने पेंटेन लिख दिया और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा उसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4th, 1 by 1 आप एक एक क्वेश्चन को पॉज करिए और फिर इसका आंसर मैच करिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें देखो, नंबरिंग में 2 जगह से कर सकता हूँ, या तो यहाँ से कर सकता हूँ या फिर यहाँ से। अब नंबरिंग करे तो करे कहाँ से, देखो सब्सटेंट 1 2 1 2 दो पोजिशन पे, लेकिन ये बीच वाला सब्सटेंट मुझे इससे ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, तो नंबरिंग में ये इसे करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, 8 कार्बन यहाँ पे, अगर 8 कार्बन है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसका पेरेंट चेन और पेरेंट अल्केन ऑक्टेन। ओके, और मिथाइल की पोजीशन कहाँ कहाँ पे, मिथाइल की पोजीशन है 2 4 और 7 नंबर पे, 2 4 7 2 4 7 ट्राई मिथाइल, 3 सब्सटेंट इसके लिए, ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ये हो गया 4th नंबर का आंसर। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। अब 1 2 1 2 नंबरिंग अगर इस साइड से भी करे और इस साइड से भी करे तो सब्सटेंट की पोजीशन तो सेम आ रही है, लेकिन हमने वहाँ पे देखा था कि अल्फाबेटिकली हमें जाना है, अल्फाबेटिकली अगर हम जाए तो ये होता है मिथाइल मतलब M, ये होता है क्लोरो मतलब C। अब C M से पहले आता है, इसके लिए मैं नंबरिंग करूँगा इस साइड से 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इतनी बात तो यहाँ पे हो गई। अगर 5 कार्बन है तो मैं पहले ही पेरेंट अल्केन जो है वो लिख लेता हूँ,
पेंटेन। ओके पेरेंटल के मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे क्लोरो और फोर्थ नंबर पे मिथाइल। अल्फाबेटिकली क्लोरो का नाम मुझे पहले लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2-chloro। उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है, मिथाइल, 4-methylpentane। ये हो जाएगा उसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में हमें नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से करें यहाँ से करें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ से सेम स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, एकदम सिमेट्रिकल अल्केन। यहाँ पे अल्केन का एग्जांपल ये 1, 2, 3, 4, 5। ओके पांच कार्बन है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, मैंने लिख लिया यहाँ पे पेरेंट अल्केन का नाम पेंटेन। अब सेकंड नंबर पे 2-methyl और फोर्थ नंबर पे 2-methyl, तो 4-methyl यहाँ पे होते, 4 सेम सब्सटिट्यूएंट, तो मुझे यहाँ पे टेट्रा लेना पड़ेगा और उनकी पोजीशन भी मुझे यहाँ पे इंडिकेट करनी पड़ेगी। तो पोजीशन क्या क्या होंगी, 2-2, 4-4 और टेट्रा मतलब 4-methyl। 2-2, 4-4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा 6 नंबर का आंसर। अब यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में भी सेम यहाँ पे नंबरिंग कहीं से भी करें तो सब्सटिट्यूएंट सेम नंबर पे आने वाली, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 इसलिए यहाँ पे मैं लूँगा पेंटेन, पेरेंट अल्किन मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम आगे लगाएंगे उसके सब्सटिट्यूएंट। 3 नंबर पे सब्सटिट्यूएंट, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा 3,3-dimethyl, 2-methyl ग्रुप है इसके लिए, 3,3-dimethylpentane। ये हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन और उसका आंसर। अब आते हैं हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन पे। ओके अब इस क्वेश्चन में नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें, जिस साइड ब्रांच नज़दीक आती हो वहीं से हमें नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। ओके 9 कार्बन यहाँ पे आ गई। अगर 9 कार्बन है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसके नाम का पेरेंट अल्केन नो नेम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो नेम। ओके अब सेकेंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे एक एक सब्सटिट्यूएंट है, राइट। सेकेंड नंबर का सब्सटिट्यूएंट है मिथाइल और फोर्थ नंबर पे होता है ये प्रोपाइल, राइट। तो अब मैं मिथाइल पे ले लूँगा या फिर प्रोपाइल पे ले लूँगा। यम पहले आता है या फिर पी, अल्फाबेटिकली यम पहले आता है, इसके लिए मैं 2-methyl पहले लूँगा। ओके लिखते समय मुझे क्या करना है, 2-methyl मैंने पहले लिख लिया और बीच में फिर आएगा 4-propyl नो नेम, ये हो जाएगा उसका आंसर। देन 9th क्वेश्चन, और फिर से हमें यहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड भी नज़दीक चाहिए और ब्रांच भी नज़दीक चाहिए। तो देखो यहाँ से 1, 2, 3 नंबर पे आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर अगर यहाँ से देखें 1, 2, 3, 4 तो ये 4 नंबर पे जाता है। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। टोटल 9 कार्बन पेरेंट चेन में आ गए। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या लूँगा, फिर से ये हो जाएगा नो नेन। ओके ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब ये नो नेन यहाँ पे हमें पूरा नो नेन नहीं लिखना है क्योंकि ये अल्केन नहीं है, तो इसे मैं काट देता हूँ। इसे लिखते समय हमें अल्कीन लिखना पड़ेगा, अल्कीन, और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसकी वजह से हमें डाइन लिखना पड़ेगा। ओके वो हम आगे मैंने हाइड्रोकार्बन पे सेम वीडियो बनाई है, वहाँ पे मैंने अल्कीन का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करते वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से बता दिया था। लेकिन ये नोनेन नहीं आएगा यहाँ पे, हमें नोनिया डाइन करना पड़ेगा उसे, डाइन क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे। ओके तो सिंपल मैं यहाँ लिखता हूँ नोनिया डाइन। अब यहाँ पे ई एन ई फॉर अल्किन
और अल्किन के डबल बॉन्ड की पोजीशन भी हमें यहाँ पे इंडिकेट करनी पड़ती। ओके, तो यहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है तो 3 नंबर, एंड यहाँ से भी डबल बॉन्ड स्टार्ट होता है तो 5 नंबर। ओके, 3-5 नोनेडाइन, ऐसा पेरेंट चेन यहाँ पे हो जाएगी, 3-5 नोनेडाइन। ओके, यहाँ तक तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो सब्सटिट्यूएंट है, सेकंड नंबर पे मिथाइल है और सेवेंथ नंबर पे भी मिथाइल का सब्सटिट्यूएंट यहाँ पे। इसकी वजह से मैं क्या करूँगा, फिर से मैं करूँगा 2-7 डाई मिथाइल। सिर्फ ये थोड़ी सी डबल बॉन्ड वाली बात आप अच्छे से समझ लेना, 3 से स्टार्ट होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिया था, और 5 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड इसलिए 5 यहाँ पे लिया था। ओके, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर, 2-7 डाई मिथाइल 3-5 नोनेडाइन। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें? अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी 1, 2, 3, 4, 5 तो केवल 5 ही कार्बन इस चेन में आते, तो मुझे नंबरिंग स्टार्ट करते समय ज़्यादा कार्बन चाहिए, तो नंबरिंग में यहाँ से स्टार्ट करूँगा, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब पोजीशन नंबर 3 पे एक मिथाइल है और एक क्लोरो ग्रुप है, राइट। अब मुझे अगर इसका नाम लिखना हो तो पहले क्लोरो आएगा या फिर मिथाइल आएगा? पहले आएगा क्लोरो, अल्फाबेटिकली सी पहले आता है, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा फिर 3 क्लोरो, उसके बाद 3 मिथाइल, देन हेक्सेन, राइट, 6 कार्बन इसके लिए हेक्सेन। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हो जाते 10 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वहाँ पे जाकर उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारे रिएक्शंस हैं और रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स के नीचे आपको IUPAC नेम्स मिल जाएंगे, तो वो देख के भी आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, वहाँ पे कॉमन नेम या फिर IUPAC नेम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे शुरू कर दें हमारे इस लेक्चर का लास्ट पॉइंट, साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, देखो हमारे सिंपल नॉमेनक्लेचर की तरह होता है, लेकिन हमें इसको प्रेफिक्स साइक्लो देना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर 5 कार्बन है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटेन हमने लिखा, ये तो वहाँ भी होता है, लेकिन ये साइकिल की तरह इसके लिए साइक्लो प्रेफिक्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, तो ये हो गया साइक्लो पेंटेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या होता, इसमें 6 कार्बन है रिंग में, तो हम साइक्लो हेक्सेन लेंगे। ओके, ये बात तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने नंबरिंग यहाँ से की है, अब यहाँ से नहीं कर सकते क्या? नहीं, क्यों? देखो 1, 2, 3 फर्स्ट नंबर पे मिथाइल लिया है उन्होंने, फर्स्ट नंबर पे मिथाइल, यहाँ पे उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में रखते हुए मिथाइल को फर्स्ट नंबर दिया है। ये होता है प्रोपाइल, पी बाद में आता है, एम पहले आता है, इसके लिए नंबरिंग उन्होंने मिथाइल से स्टार्ट कर दी और प्रोपाइल तक ख़त्म। इसकी वजह से 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन ये हो जाता है उसका नाम। ओके, सो नेक्स्ट रूल। अब इसके बाद ये देखो पेरेंट चेन, मतलब रिंग में कौन कौन से, 6 कार्बन, इसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की, क्यों? मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट्स लोअर नंबर, जिसके पास ज़्यादा ब्रांचेस होंगे उससे हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ओके ना, तो नंबरिंग हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी 1, 2, 3। हालांकि क्या, वो मिथाइल है और ये इथाइल है, फिर भी नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट की। आपको ये बात तो पता है कि इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली और मिथाइल बाद में आता है, राइट ना? फिर भी हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की, फिर भी हमने नंबरिंग स्टार्ट करते समय यहाँ से की, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस ज़्यादा थे। ओके, ब्रांचेस ज़्यादा होने की वजह से नंबरिंग हमने वहाँ से स्टार्ट कर दी। और ये नाम लिखते समय हम इथाइल को पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3-ethyl-1,1-dimethyl साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा उसका नाम, नॉट, ये उसका नाम नहीं हो जाएगा, नीचे जो लिखा हुआ है उसका नाम नहीं हो जाएगा। ओके,
तो इस तरह से ये हो जाता है साइक्लिक कंपाउंड्स का। अगर और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ साइक्लिक कंपाउंड्स का, तो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्लोरीन है ओके, और यहाँ पे ब्रोमीन है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से करोगे? नंबरिंग स्टार्ट करने करते समय हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान में रखनी पड़ती है, तो नंबरिंग आपको यही से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 1 2 राइट। फर्स्ट ब्रोमो इज फर्स्ट राइट, ब्रोमो एंड क्लोरो। तो मुझे मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, आगे साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा उसका आंसर, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बुक में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स इसके मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है उस लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप वो सीखने वाले, तो वो पूरे एक लेक्चर में मैं कवर करने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। और फंक्शनल ग्रुप विथ एग्जाम्पल, फंक्शनल ग्रुप विथ एग्जाम्पल, ऐसे कर करके हम वो पूरा लेक्चर वहाँ पर कवर करने वाले राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।